आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कल मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक किस मुलाकात के दौरान चुनाव में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। दरअसल कंगना रनौत इन दिनों सुर्खियों में है, वजह कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत की उन पर अभद्र टिप्पणी। और देखिए कल उनकी मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने पिक्चर भी पोस्ट की थी। सुप्रिया सुनेत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कंगना की तस्वीर के साथ विवादित कैप्शन लिखा। हालांकि ये मामला बढ़ने के बाद सुप्रिया सुनेत ने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और साथ ही सफाई भी दी कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है बल्कि उनके किसी साथी ने किया है जिसके पास उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस था। चौतरफा आलोचना के बाद भले ही उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट किया लेकिन महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया सुनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और मंडी सीट के बारे में चलिए आपको कुछ जानकारी भी दे देते हैं। तो बीजेपी ने कंगना रनौत को जिस मंडी सीट से उतारा है ये वो सीट है जिसे 2021 के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया था। जी हाँ, जबकि 2021 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी करीब 8,500 वोट के अंतर से मंडी सीट हार गई थी और इस बार बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से कैंडिडेट बनाया है जबकि अभी कांग्रेस अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। तो अपने कैंडिडेट के नाम को अभी सामने नहीं रखा है कांग्रेस ने लेकिन बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट से उतारा है। और आपको ये भी बताएं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मंडी सीट 4 लाख से ज्यादा वोट से जीती थी लेकिन 2021 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी हार गई थी।